नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। गोरखपुर में बीजेपी नेता के भतीजे समेत दो युवकों की मौत, राप्ती नदी में गए थे नहाने। रामनवमी पर 24 घंटे खुला रहेगा राम मंदिर, भक्तों के लिए हो रहे हैं खास इंतजाम। झांसी में घर के बाहर खड़े युवक को कार सवारों ने बेरहमी से पीटा, घटना CCTV कैमरे में कैद। इटावा स्थित सैपई मेडिकल कॉलेज की छात्रा की हत्या मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। नौकरी न मिलने पर ग्रेजुएट ने शुरू की खीरे की खेती, अब कमा रहा लाखों रुपए। समाजवादी पार्टी ने की उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी, भदोही सीट ममता की पार्टी के लिए छोड़ी। यूपी में दो IAS अफसरों के तबादले, शाहजहांपुर के नगर आयुक्त बने IAS विपिन मिश्रा। गोरखपुर को 1878 करोड़ की सौगात, सीएम योगी बोले मोदी के तीसरे कार्यकाल में भारत बनेगा तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। अलीगढ़ से सपा ने पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह को दी टिकट, एक बार MP और तीन बार रह चुके हैं MLA। मुरादाबाद में कुत्ते को रस्सी से बांधकर पीटने का वीडियो वायरल, PFA सदस्यों ने कराया 3 के खिलाफ केस। रामपुर में प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा, शादी रुकवाने को प्रेमी के घर पहुंची, लड़के को किया बंद कमरे में करवाया निकाह। आगरा में भगवान टाकीज फ्लाई ओवर के नीचे कार में लगी आग, एक एक कर फटे टायर, धमाकों से दहशत। विवाहिता से शादी को अड़ी युवती, इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती फिर प्यार, बाल कटवा कर करने लगी लड़के जैसा व्यवहार। अलीगढ़ में सड़क पार कर रहे युवक को वाहन ने मारी टक्कर, उपचार के दौरान हुई मौत। पेपर लीक मामले में 3 आरोपी गाजियाबाद से गिरफ्तार, अहमदाबाद से पेपर कराया था लीक। लखीमपुर खीरी पूर्व विधायक के घर नकदी जेवर समेत 30 लाख की चोरी, आंगन और मैदान में पड़े मिले 2 रिवॉल्वर। वृंदावन के 7 साल के गुरु उपाध्याय ने बनाया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, देते हैं UPSC के विद्यार्थियों को कोचिंग। फिरोजाबाद में 6 माह में छोड़ी पहली पत्नी, फिर मुख्यमंत्री विवाह योजना के लिए 7 फेरे, ले आया दूसरी दुल्हन। फिरोजाबाद के शुकोहाबाद में TT की धमकी से इस कदर डर गई महिला, चलती ट्रेन से कूद गई, कट गया पैर। अम्बेडकर नगर के विकास भवन का बाबू रिश्वत लेते गिरफ्तार, 10,000 रुपये लेते एंटी करप्शन टीम ने किया अरेस्ट। ये थी अभी तक की बड़ी खबरें, बनवारीलाल कुशवाहा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।